Hey everyone, Kashish in this side all the way from PK Makeup Studio Surat. So मैं आ गई हूँ एक बहुत ही ग्रैंड वीडियो के साथ, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो. यस, ये वीडियो है ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो, जिसमें मैं आपको सिखाने वाली हूँ डस्की स्किन लुक विथ पिंपल एज वेल. सो आपने काफ़ी सारे डस्की स्किन के मेकअप देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. क्यों डिफरेंट है ये मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको डस्की स्किन के साथ साथ पिंपल किस तरह से हाइड करना है वो भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ. एंड एक और चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ और बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वैसे ऑब्वियसली किया ही होगा. एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज़, आप चैनल के सब्सक्राइब बटन जो है उसके बाजू में एक बेल आइकन है, तो वो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि उसी से आपको मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आएगा. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल. सो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं. सो हमने फेस क्लिंजिंग कर दिया, लेंसेस सेट कर दिया है, उसके बाद मैं आईज पे मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ. इस वीडियो में मैं आपको ये सब चीज़ें बताने वाली हूँ कि डस्की स्किन पे आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों का यू नो मेनली आपको फॉलो करनी है, जिससे आपका मेकअप ख़राब ना हो. जब भी डस्की स्किन की बात आती है तो हमारा जो बेस है वो काफ़ी टाइम ऑक्सीडाइज हो जाता है, हमें परफेक्ट शेड नहीं पता चलता कि कौन सा शेड हमें लगाना है, कैसे किस तरह से लगाना है. और डस्की स्किन के साथ साथ अभी एक ट्रबल और है फेस पे, दैट इज़ एक्ने स्किन. एक्ने आप देख सकते हो फेस पे, अभी हमें ये सारे एक्ने हाइड करने हैं. सो जस्ट वेट एंड वॉच द ट्रांसफॉर्मेशन गाइज, आपको बहुत मज़ा आने वाला है. सो यस, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, फेरा रुशी का कंसीलर लगा दिया है, उसके बाद नेक्स्ट एक पीच कलर के आई शेडो से मैंने स्टार्ट किया है, और जैसा कि आप देख सकते हो मैंने अच्छे से उसको अप्लाई कर दिया है. और ब्लेंडिंग पे जो है आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी उतना सुंदर और ब्यूटीफुल आपका आई मेकअप दिखेगा. सो ब्लेंडिंग आपकी बहुत बहुत अच्छी होनी चाहिए. सो ब्लेंडिंग में कर रही हूँ. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, बहुत ज़्यादा पसंद आए, तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे मेंशन करना मत भूलिएगा. मेरा इंस्टाग्राम आईडी है kashishjain613. सो डेली मेकअप टिप के लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं. सो नेक्स्ट हमने पिक किया एक डार्क मरून कलर, और मैं उसे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ. सो हम दो कलर मर्ज कर रहे हैं आपस में, पीच एंड द डार्क मरून. जब भी डस्की स्किन की बात आती है मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं थोड़ा डार्क कलर्स में प्ले करूँ आईज़ में, बट आज मैंने काफ़ी डिफरेंट चीज़ ट्राई की है. आज मैंने लाइटर कलर्स के साथ गई हूँ, और किस तरह से मैंने लाइट कलर लगाए हैं वो आप आगे वीडियो में देखिएगा. और सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाला है हमारा बेस का पार्ट, मतलब जो मैं फेस पे फाउंडेशन करने वाली हूँ, और कंसीलिंग से हम जो ये हाइड करने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो चीज़ आप सबको आज सीखनी है ये वीडियो के बाद. एंड डेफिनेटली ये वीडियो के बाद तो आप सब लोग ऐसी स्किन पे इजीली मेकअप कर पाएंगे. उसके बाद मैं बना रही हूँ कट क्रीज, और कट क्रीज बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ PAC का कंसीलर, जिसका नंबर है 06 नंबर है, और ये मैंने अच्छे से क्रीज कट कर दी है. एंड कट क्रीज की बात आती है तो हमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको फ्लैट ब्रश लेना है. काफ़ी अगर बड़ा ब्रश लेके कट क्रीज बनाएंगे तो नहीं बनेगी, तो छोटा ब्रश यूज़ कीजिए और एकदम फ्लैट सा ब्रश यूज़ कीजिए. उसके बाद मैंने लिया ये डार्क मरून कलर, और आउटर कॉर्नर पर पहले मैंने इसे अच्छे से सेट कर दिया है, ब्लेंड भी कर रही हूँ मैं साथ ही साथ. सो जल्दी से कमेंट करके बताओ हमारा आई शेडो का ब्लेंडिंग डन हो गया, तो आप लोगों को ब्लेंडिंग कैसी लगी है. उसके बाद मैंने लिया है ब्लू कलर का आई शेडो, और मैंने उसे सेट कर दिया है अच्छे से आउटर कॉर्नर में. गेस करो ब्लू के बाद मैं क्या लेने वाली हूँ, वैसे आप सबको तो पता ही है क्योंकि आपने स्टार्टिंग में वीडियो देख लिया. सो इट्स ओके. सो नेक्स्ट मैं ले रही हूँ पिंक कलर का आई शेडो. सो ब्लू एंड पिंक तो आप सब जानते हैं, ब्लू एंड पिंक का कॉम्बिनेशन बहुत ही अमेजिंग लगता है, तो मैंने ब्लू और पिंक ले लिया है. सो इनर कॉर्नर पे हम वाइट कलर लेने वाले हैं आज की इस वीडियो में. सो ये कॉम्बिनेशन मैंने लिया है कम्प्लीटली आउटफिट के अकॉर्डिंग जो मेरी मॉडल ने पहना हुआ है. मेरी मॉडल ने पहना है वाइट पिंक एंड ब्लू कलर का आउटफिट, तो मैंने सेम कॉम्बिनेशन फॉलो कर दिया है आईज में. सो जब भी आपको अगर समझना है तो आप ऐसे आउटफिट के कलर कॉम्बिनेशन ले के काम कर सकते हैं. सो इनर कॉर्नर पर मैंने वाइट कलर सेट कर दिया है, एंड उसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ पिंक आई शेडो के साथ. सो आई थिंक आप लोगों को ये आई मेकअप बहुत ईजी लगने वाला है. अगर यू नो आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर रहे होंगे तो आपको और भी टेक्निक अच्छे से पता होगी. सो जिन्होंने भी पुराने वीडियोज़ नहीं देखे, जल्दी जल्दी जाके देख लीजिए, बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड किए हैं. उसके बाद मैंने टू वे जेल अप्लाई किया है, और एक मैं गोल्डन कलर का लूज ग्लिटर मैंने क्रीज लाइन पर सेट कर दिया है.
अगर आप ये नहीं करना चाहे तो आप डायरेक्टली ग्लिटर लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप ये मेथड फॉलो करेंगे तो आपका जो ग्लिटर लाइन है वो बहुत अच्छे से विजिबल होगा, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा कैमरा में, या आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि कितने इजीली कितने अच्छे से विजिबल है वो। सो मैंने अच्छे से क्रीज लाइन पे लगा दिया है एंड आईब्रो के ब्रो बन पे भी मैंने कर दिया है। सो ब्रो बन पे मैंने इसलिए किया ताकि जो आई मेकअप है हमारा और भी ज़्यादा हाईलाइट होके दिखे। नेक्स्ट इट्स टाइम फॉर द लाइनर और मैं करने वाली हूँ विंग आई लाइनर। वैसे मैं बहुत एक्साइटेड थी ये वाला वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि आप लोग सब जानते हो मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सो ये वीडियो कम्प्लीटली मैंने ट्रांसफॉर्मेशन बनाई है, आप समझ सकते हो, मतलब वीडियो देख के आप बिफोर एंड आफ्टर समझ सकते हो। एंड जितना ईजी ये लुक दिख रहा है कि ईजिली हो रहा है, लेकिन जब मैंने रियलिटी में इन पर मेकअप किया, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि रियलिटी में दैट वॉज वेरी हार्ड टू डू, बट जो इनका मेकअप के बाद जो लुक आया दैट वॉज आउटस्टैंडिंग बिकॉज ऑफ द राइट टेक्निक। सो आई ऑलवेज टेल पीपल कि आप चाहे प्रोडक्ट कोई भी यूज़ करो, अगर आपके पास टेक्निक अच्छी है तो आपका मेकअप डेफिनेटली अच्छा होगा। सो आप लोगों की क्या थॉट है इस पॉइंट पे, कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या ज़रूरी है, महंगे प्रोडक्ट्स या अच्छी टेक्निक, कमेंट करके मुझे बताइए। नेक्स्ट टाइम यूजिंग मस्कारा, और मस्कारा मैंने यूज़ किया है मेबलिन का। एंड यहाँ पे हमने लैशेज भी अच्छे से फिक्स कर दिए हैं। लैशेज मैंने यूज़ की है लैशअप ब्रांड की। सेम दूसरी तरफ। सो नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ न्यूट्रीजना का मॉइस्चराइज़र। सो जब भी एक्ने स्किन की बात आती है, सो न्यूट्रीजना पे मैं काफ़ी भरोसा करती हूँ कि मॉइस्चराइज़र ये काफ़ी अच्छा है फॉर द एक्ने स्किन। सो आप लोग भी बाय कर सकते हो, एनी जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र आप लोग ले सकते हो। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है मेकअप स्टूडियो का प्राइमर, और अच्छे से प्राइमर अप्लाई कर दिया है। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको बहुत ज़्यादा क्रीम बेस मॉइस्चराइजर नहीं लगाना है। नेक्स्ट मैंने ऑल ओवर फेस पे ऑरेंज कलर का करेक्टर लगा दिया है क्राइलॉन का। सो करेक्टर लगाने के बाद हम उस पर यूज़ करें मेकअप फिक्सर ताकि वो अच्छे से फिक्स हो जाए। सो मैं यूज़ कर रही हूँ OG का मेकअप फिक्सर। अच्छे से मैंने मेकअप फिक्सर लगा दिया है। एंड एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, मेरी जो ये मॉडल है ब्यूटीफुल सी, इतनी सुंदर सी, सो शी इज़ जस्ट अ नॉर्मल गर्ल। जब मैंने उनकी स्किन को देखा, आई वॉज लाइक आई वॉन्टेड टू डू मेकअप ऑन हर, और मुझे उनके फीचर्स काफ़ी पसंद आए। सो आप लोगों को इनके फीचर्स कैसे लगे मुझे भी बताइए, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट जो फाउंडेशन मैं यूज़ कर रही हूँ वो है मेकअप स्टूडियो का, एंड इसका शेड है ओरिएंटल शेड है इसका, एंड द ब्रांड इज़ मेकअप स्टूडियो। उसमें हमने थोड़ा सा लिक्विड फाउंडेशन मिक्स किया है OG ब्रांड का, एंड OG का शेड है मीडियम 5। सो नथिंग इज़ हिडन फ्रॉम यू, फॉर यू, लाइक फ्रॉम यू गाइज। आई वॉन्टेड टू टीच माई बेस्ट टू यू गाइज बिकॉज यू गाइज गिव्स मी लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ सपोर्ट, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। ऐसे ही शेयर करते रहिएगा मेरा वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ, क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे बहुत इनकरेज करती है कि मैं कोई नया वीडियो या नया कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करूं। सो डू शेयर एज मच एज़ यू कैन। सो अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ मैं फाउंडेशन का जो रेशियो है, एंड आप लोग देख सकते हो कि कितने अच्छे से पिम्पल्स कवर हो गए, और पिम्पल्स के साथ साथ जो टोन था, जो डिस्कलरेशन था, वो भी कट हो चुका है। ना ही हमने कोई थिक लेयरिंग करी है, ना ही हमने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगाया है, बट स्टिल इट इज़ कम्प्लीटली हिडन। सो आई बिलीव कि हम जितना कम लेयरिंग करें उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, उतना ज़्यादा रियल दिखेगा फेस। अगर आप लेयरिंग कर लेंगे तो ब्राइड भी काफ़ी परेशान हो जाएगी। नेक्स्ट इट्स टाइम फॉर द कॉन्टोर, और कॉन्टोर के लिए भी मैं यूज़ करी हूँ मेकअप स्टूडियो। और आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता होगा लाइक मेकअप स्टूडियो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ मेकअप स्टूडियो। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में मेकअप स्टूडियो के प्रोडक्ट्स यूज़ किए हुए हैं, सो आप बाकी के वीडियोस भी चेक कर सकते हो। एंड आपको नेक्स्ट लुक कौन सा देखना है वो भी आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी डिमांड क्या है। सो नोज कॉन्टोर मैं कर रही हूँ अब,
लिप कॉन्टोर तो कंपलसरी आपको मेरे सारे वीडियोस में मिलेगा ही मिलेगा। नाउ इट्स टाइम फॉर द ब्लेंड। मैंने काफ़ी नेचुरल कॉन्टोर दिया है, बहुत ज़्यादा हार्ड कॉन्टोर हमने नहीं किया है। रीज़न यही है कि जब हम बहुत ज़्यादा क्रीमी प्रोडक्ट पिंपल्स पे अप्लाई करते हैं ना, तो पिंपल जो है वो ज़्यादा दिखने लग जाते हैं, ज़्यादा उठने लग जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करना है, ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। नेक्स्ट मैं सेट कर रही हूँ मेरे बेस को अच्छे से लूज पाउडर से, और लूज़ पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप स्टूडियो का, जिसका शेड है बनाना। सो अच्छे से मैंने लूज पाउडर लगा दिया है। जब भी डस्की स्किन की बात आए, आपको बनाना पाउडर ही यूज़ करना है। आपको वाइट कलर का या बेज कलर का पाउडर कभी भी नहीं लगाना चाहिए, उससे आपका बेस काला होने का चांसेस है। हम हमेशा ये सोचते हैं यार हमने तो मेकअप इतने अच्छे से ब्लेंड किया है तो भी हमारा फेस ब्लैक हो गया। सो मेकअप में हर एक छोटी छोटी चीज़ बहुत ही मायने रखती है कि आप कौन सा लूज पाउडर यूज़ कर रहे हैं या आप कौन सा कॉम्पैक्ट लगा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लूज पाउडर लगा के मैंने रखा है। तब तक मैं सेट कर रही हूँ मेरे मॉडल की आईब्रोज, और आईब्रोज के लिए मैं यूज कर रही हूँ एनास्थाशिया का पोमेड इन शेड डार्क ब्राउन। तो आईब्रोज के बाद तो आप लोगों को बताया फेस का लुक कंप्लीटली चेंज हो ही जाता है। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ कलर क्रश का काजल, जिसका शेड है वाइट कलर। और कलर क्रश के काजल के बाद मैं लोअर लैश लाइन पे भी थोड़ा सा वर्क कर रही हूँ, एंड मैं क्रिएट कर रही हूँ एक डबल विंग लाइनर। सो मैं ऑलवेज ट्राई करती हूँ कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखाऊँ एक ही वीडियो में। सो ये वीडियो में हम डबल विंग लाइनर भी देख रहे हैं। सो मेरा मानना ये है कि अगर अच्छे फीचर्स हैं तो कोई भी, यू नो, एवरी वन कैन बी अ मॉडल इफ़ दे हैव अ गुड फीचर्स। एंड आई ऑलवेज सी कि फीचर्स कैसे हैं, एंड शी इज़ हियर एंड एज अ माई मॉडल। सो डबल विंग लाइनर हमने क्रिएट कर दिया है, और जो लाइनर के लाइनर में जो गैप था उनमें मैंने बीच में ग्लिटर की लाइन दे दी है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लश ऑन, और ब्लश ऑन भी मैं काफ़ी माइल्ड ही मैंने यूज़ किया है। द रीज़न इज़ कि अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो पिंपल जो है वो और भी ज़्यादा उठ के दिखेंगे। सो आप देख सकते हो पिंपल जो है हमने मोस्टली हाइड कर दिए कम्प्लीटली। सो अब आप सोच सकते हैं कि क्लाइंट कितना खुश हो गया जाने वाला है, मतलब जब क्लाइंट ये मेकअप देखेगा तो कितना खुश होगा। और मैं आपको सच में एक्सपीरियंस बताऊं तो माय मॉडल वाज सो हैप्पी आफ्टर द मेकअप, एंड शी इज़ लाइक थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग मेकअप, एंड उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। और आप लोगों को कैसा लगा वो भी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब आपके रिव्यूज़ पोस्ट करते हो कमेंट में, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो यहाँ पे हमारा लुक होता है डन विद द पिंक लिपस्टिक, एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, एंड आप लोगों ने बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी होगी इस वीडियो में। मैं जल्दी मिलूंगी नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड सी यू गाइज वेरी वेरी सून। बाय।